नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल रामनवमी पर हुई हिंसा और आगजनी के बाद आज फिर पथराव यहां पर हुआ। पथराव के बाद से इलाके में तनाव है और पुलिस अधिकारियों के साथ दंगा रोधक पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। हावड़ा से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस आंसू गैस के गोले डाल रही है, भीड़ पथराव कर रही है और पत्रकारों पर हमला कर रही है। हावड़ा हिंसा को लेकर अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हावड़ा में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, इनमें से कई गाड़ियां पुलिस की भी थी। इससे पहले कल शाम रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा में आगजनी और पथराव हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर हालात की जानकारी ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हावड़ा के हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृहमंत्री अमित शाह से हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। तो हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी जंग भी शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने वीडियो शेयर कर एक दूसरे पर इसको लेकर आरोप लगाए हैं। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रामनवमी के जुलूस के दौरान बंदूक लहराई जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि ये बीजेपी का दंगाबाजी का फॉर्मूला है, समुदायों के एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और हिंसा भड़काने के लिए हथियारों की आपूर्ति करना। बीजेपी ने भी एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि जुलूस पर पथराव किया गया। दो दिन पहले देश का गृहमंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और दो दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृहमंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है, कल दंगे शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किसका कहने पे हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हर बार रामनवमी को क्यों इतने फेस्टिवल्स होता है देश में? ओनली टू सेव हर वोट बैंक सी इज डूइंग दिस टाइप ऑफ अनएथिकल अनहेल्दी जॉब इन वेस्ट बंगाल। बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिंचक रहा था, अभी जो कर रहा है आपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल जल रहा है, राम भक्तों पर पथराव हो रहा है और ममता दीदी चुप हैं, आखिर क्यों, किसकी शह पर बंगाल दंगाइयों के हवाले है? बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनामी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो आज चुप क्यों रहते हैं? आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है, पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के नालंदा में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ जिसके बाद माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो गया। हिंसा के दौरान दो लोगों को गोली भी लगी और घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तनाव के चलते सुरक्षा इंतजाम यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। उधर रामनवमी को लेकर बिहार के सासाराम से भी हिंसा की खबर आई। यहां पर दो गुटों के बीच पथराव के साथ कुछ घरों में आग लगाने की घटनाएं भी सामने आईं। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात यहां पर काबू में हैं।
रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच विवाद के कारण तनाव पैदा हो गया था। पथराव में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आप इसे इस तरह पेश कर रही है जैसे प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने पर फाइन लगाई गई हो। अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े हैं। कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाए, ये क्या हो रहा है। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट की शरण ली, कहा कि उन्होंने 2016 में ही प्रधानमंत्री की डिग्री वेबसाइट पर डाल दी है। विश्वविद्यालय के पास लाखों छात्रों की डिग्री है और वो आरटीआई कानून के तहत नहीं आता। यूनिवर्सिटी ने कहा कि केजरीवाल ने इसे राजनीतिक सनसनी पैदा करने की वजह से मुद्दा बनाया है। ये जानने के बावजूद कि डिग्री सार्वजनिक है, केजरीवाल ने इसे कानूनी मुद्दा बनाया। हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट दिखा कि ये मांग शरारतपूर्ण है, इसलिए उसने जुर्माना लगाया। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है। आज से पहले भी कई बड़े लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी और बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जी पे कोर्ट ने फाइन लगाया है और ये जो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है, ये कहीं ना कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। जब उनके मंत्री कमीशन खोरी के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में आज जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, तो स्वाभाविक रूप से ये फ्रस्ट्रेशन उनको उनके चेहरे पर दिख रहा है और उसी का नतीजा ये सब कुछ है। अखिलेश शर्मा एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी के पास चलते हैं ताज़ा जानकारी के लिए। अखिलेश जी, इस मुद्दे को जरा समझाइए, आपको ये नया मुद्दा नहीं है डिग्री का, पहले भी विपक्षी पार्टियां इसको उठाती रही हैं, तो अब इसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर इस मुद्दा बना रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्षी पार्टियां इसे एक मुद्दा बनाती रही है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2016 में भी वो केंद्रीय जो सूचना आयुक्त थे उनके पास गए थे और उनसे कहा था कि जो डिग्री है पीएम मोदी की वो जारी होनी चाहिए। इस पर आदेश दिया गया था तत्कालीन सीआईसी की ओर से गुजरात यूनिवर्सिटी को कि वो डिग्री जो है सार्वजनिक करे। हालांकि गुजरात यूनिवर्सिटी ने तुरंत ही जो वेबसाइट है उस पर डाल दी थी 2016 में, लेकिन उनका तर्क यह था कि जो डिग्रियां हैं, लाखों डिग्रियां उनके पास हैं और ये किसी का पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्राइवेसी इसमें भंग होती है, इसलिए उन्होंने इसको चुनौती दी थी एक प्रिंसिपल स्टैंड लेकर के हाईकोर्ट में और तब से मामला चला आ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये 2016 में ही जब यह आदेश आया था सीआईसी की ओर से, तभी गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से पीएम मोदी की जो डिग्री है एमए की वो डाल दी गई थी वेबसाइट के ऊपर। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने तमाम जो इलेक्शन एफिडेविट से उनमें भी इसकी जानकारी दी है। 2016 में ही अमित शाह और अरुण जेटली ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो डीयू से उनकी बीए की डिग्री थी और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री थी, दोनों को जारी किया था और खंडन किया था अरविंद केजरीवाल के आरोपों का। लेकिन लगातार अरविंद केजरीवाल इस मैटर को परस्यू करते रहे। इसके बाद अब गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर जो है फैसला सुनाया है और जो पिटिशन थी उसको सेट असाइड करते हुए बिल्कुल साफ कर दिया कि ये जो इरादा है इनका, जो चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उसको क्यों बार बार आरटीआई के जरिए पाना चाह रहे हैं, इसके पीछे इनकी मंशा ठीक नहीं है और इसलिए 25,000 रुपये का जुर्माना अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया गया है। और इसको लेकर जब चीज़ें सार्वजनिक हैं अखिलेश जी, जब यूनिवर्सिटी कह रही है वेबसाइट पर डाली हुई हैं, तो कोर्ट में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या कह रही है फिर? नहीं देखिए, ये बिल्कुल कोर्ट में मामला गया और गुजरात यूनिवर्सिटी ने यही कहा कि ये किसी को भी अधिकार नहीं है डिग्री के बारे में जानने का, क्योंकि ये एक कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब सरकार की ओर से जब सरकारी वकील पेश हुए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। कोई बिना डिग्री का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है और कोई बहुत ज़्यादा डिग्री वाला भी पीएम बन सकता है। इसमें संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको पीएम बनने के लिए डिग्री चाहिए। इसके बावजूद भी गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से
जानकारी दे दी गई थी, फिर भी अगर बार बार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे उसकी राजनीतिक मंशा है। और हमने देखा भी ये ताबिश पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कई जगह पर आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने पीएम का मुद्दा उठाया कि उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। और अब बीजेपी का यह कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट के जिस तरह से जुर्माना लगाया गया 25,000 रुपये का केजरीवाल के ऊपर, उसके बाद अब यह मामला आम आदमी पार्टी को नहीं उठाना चाहिए। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सियासत भी आपने पिछले कुछ दिनों देखी, और अब गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस मामले में 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे से ज्यादा राहत और बचाव का काम चला। पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। NDTV के हाथ कुछ दस्तावेज भी लगे हैं जो साफ बताते हैं कि कैसे मंदिर ट्रस्ट ने प्रशासन के नोटिस और खत की अनदेखी की, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर में बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात 11 बजे मोर्चा सेना ने संभाला। चैलेंजिंग इसलिए था कि पुरानी बावड़ी थी, इसकी दीवारें भी जर्जर थी और इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे जिनको हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपने कटिंग इक्विपमेंट और अपनी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रिमूव किया और उसके बाद में लोगों की डेड बॉडी रिकवर। खास तरह के इक्विपमेंट जिनकी आपको जरूरत पड़ी हो यहाँ पर बावड़ी में? बावड़ी में सर हमारी ट्रेनिंग के अनुसार बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें कटिंग इक्विपमेंट्स हैं या फिर चिपिंग हैमर के माध्यम से हम सीजिंग करते हैं और जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनके टुकड़े करके जैसे हमने बाहर निकाले। जब भी सरकार द्वारा भारतीय सेना से मुश्किल हालात में मदद मांगी जाती है तो हम उसे जरूर पूरा करते हैं और आगे भी हम भविष्य में आवश्यकता अनुसार मदद करते रहेंगे। शुक्रवार को एक साथ कई अर्थियां उठी, कई घरों में दो दो लाशें, चेहरे सवाल पूछ रहे थे ये हादसा था या जानलेवा लापरवाही। मंदिर प्रबंधन पर आरोप है बावड़ी को भरे बगैर 4 लोहे के गर्डर पर छड़, सीमेंट, रेत और ऊपर से फर्शियां डालने का। जो लोग मंदिर में आए उन्हें पता ही नहीं था कि जिस जगह खड़े होकर दर्शन और हवन पूजन करते हैं उसके नीचे बावड़ी है। रामनवमी के दिन 50-55 से ज्यादा श्रद्धालु श्री बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में आए थे हवन करने के लिए, लेकिन उन्हें शायद ही मालूम होगा कि ये जो 200 साल पुरानी बावड़ी है 4 लोहे के जर्जर खंभों पर टिकी है। उनके और मौत के बीच सिर्फ यही खंभे थे जिन्होंने ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया और 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। श्रीनगर इलाके में बने पार्क में बावड़ी के पास नया निर्माण शुरू हुआ था। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण पर आपत्ति ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रस्ट ने अपने जवाब में कहा यह स्वयंभू मंदिर है, हस्तक्षेप धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा। जिस जगह हादसा हुआ उसके ठीक सामने मंदिर स्थित है जो पहले नहीं था। मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले मंदिर बगीचे के पास था, बाद में उसे बावड़ी के पास शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद बावड़ी के दूसरी तरफ 5 से 6 फीट दूर मंदिर में नया निर्माण किया जा रहा था। 23 अप्रैल 2022 को रहवासियों की शिकायत पर समिति अध्यक्ष गलानी को अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था। 25 अप्रैल को गलानी ने जवाब दिया कोई अवैध निर्माण नहीं है, धार्मिक भावनाएं न भड़काएं। 30 जनवरी 2023 को स्नेहनगर विकास मंडल की शिकायत पर फिर नोटिस दिया गया, जवाब वही, कोई गड़बड़ी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके पीछे सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता का दबाव था। ये और आपके पीठ के पीछे 3 और बावड़ियां, ये 4 बावड़ियों का संयुक्तिकरण करके इंदौर विकास प्राधिकरण की 31 नंबर स्कीम में सन 2000 तक वाटर सप्लाई सिस्टम और आज की तारीख में 4 बावड़ियों के ऊपर मंदिर बन गए, जिसमें से एक हॉल
नगर निगम का खुद का बनाए, किसके संरक्षण में? आपके इसी के पीछे एक संघ के राष्ट्रीय प्रमुख के परिवार ने एक मंदिर बनाया, किस अधिकारी की हिम्मत होगी उसको तोड़ने की? एनडीटीवी के हाथ 1985 में तत्कालीन कलेक्टर हर्ष मंदिर का खत भी लगा है और इलाके का नक्शा भी, जिसमें कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे बच्चों के पार्क के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। इस घटना के बाद से मंदिर के पुजारी और यहां हो रहे निर्माण से जुड़े 3 लोग लापता हो गए हैं। सरकार कह रही है किसी को नहीं बख्शेंगे। कल ही मैंने नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है, कमिश्नर साहब पूरे इंदौर की जितनी भी बावड़ियां हैं उनको चिन्हित करें, एक नीतिगत किससे पुनरावृत्ति इंदौर में ना हो, और इसके लिए जितने भी हम उपाय सोच सकते हैं वो सब जांच में जब आदेश दिए हैं सारे बिंदु आ जाएंगे, उनको सब पे हम कार्रवाई करें। पर उन परिजनों का आप आश्वस्त करेंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी कोई को नहीं भी बख्शा कोई भी हो, किसी को कोई नहीं बख्शा जाएगा, सिर्फ दुखद घटना और क्या होगी। उधर शुक्रवार को मुख्यमंत्री घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे, मंदिर भी आए, उन्होंने मलहम लगाने की कोशिश की लेकिन लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी समीर के साथ अनुराग बारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।